Hello everyone, how are you? I hope you are fine, doing well. आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। इसमें आपको लाइंस के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, लाइन से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सारा जो है इसमें ड्राइंग वर्क है। आपको कंपस, रूलर, पेंसिल, रेजर, प्रोटेक्टर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, सेट स्क्वायर्स नहीं चाहिए उनको छोड़ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन आर। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे आर एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। तो चलिए यहाँ तक पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करनी है तो बेटा मैंने पहले भी समझाया, ये जो दो लाइन्स हैं इनके बीच में जो व्हाइट पोर्शन, खाली पोर्शन है, वहाँ आप ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के ऊपर लाइन मत ड्रॉ कीजिएगा। सो दिस इज द लाइन आर। ड्रॉ अ लाइन आर एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। अब इस पर आप कोई भी पॉइंट मार्क कर लीजिए, पी, कहीं पे भी। कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू आर। इस आर लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 का एंगल बनाती हुई लाइन आपको ड्रॉ करनी है एट पॉइंट पी यूजिंग रूलर एंड कंपस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पी आपने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, ये आपने कंपस सेट कर लेनी है। ये मैंने पीछे भी आपको बताया पिछले वीडियोस में भी कि इसको कैसे, ये लेवल इसका बराबर होना चाहिए। ये पेंसिल इस पिन से आगे भी नहीं होनी चाहिए और पीछे भी नहीं होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी लेंथ की, कोई भी इसमें ये सेट कर लीजिए। थोड़ा सा इसको खोल लीजिए, पी पे रख के आप एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये हिलना नहीं चाहिए, कभी कभी हिल जाता है, तो बहुत ध्यान से आपने इसको फिक्स कर लेना है। यहाँ ये आपने एक सेमी सर्कल सा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। लेट इट बी एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई। इसके एक्स पे रख के कंपस को ऐसे खोल लीजिए थोड़ा ज़्यादा, एक्स पे रख के एक आर्क ड्रॉ कीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग। जितना आपने एक्स पे खोला था अपनी मर्जी से, उसी तरह से आप वाई से भी एक आर्क लगा देंगे। लेट इट बी पॉइंट ए। दस ए और पी को आप ज्वाइन कर देंगे, ये जो सेंटर है यहाँ से इसको ज्वाइन करने, जहाँ दो आर्क कट कर रहे हैं। ये जो ए पी लाइन बन गई है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन आर। तो आप यहाँ लिख देंगे ए पी इज परपेंडिकुलर टू आर। आर लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, लाइन भी लिख लीजिए लाइन आर। सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन पी एंड मार्क अ पॉइंट जेड अबव इट। अब एक आपने लाइन लेनी है पी। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, लाइन आर ली थी, जो पॉइंट लिया था वो उस लाइन के ऊपर लिया था। अब जो लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन है। अब जो पॉइंट लेंगे उसके ऊपर लेना है, अबव, अबव मतलब ऊपर। ये पॉइंट, ये लाइन पी है, मार्क अ पॉइंट जेड अबव इट, ये आप ले लीजिए। दिस इज जेड विच इज अबव द लाइन, ठीक। अब यहाँ रख के आप जेड पे कोई भी कंपस एक लेंथ की खोल के फिक्स कर लीजिए, कोई भी लेंथ आप अपनी मर्जी से। ये कोई मेजरमेंट नहीं है भी आपने इतनी खोलनी है इतनी, इस तरह से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये एक सेमी सर्कल बन गया। लेट इट बी पॉइंट ए एंड बी। अब इस ए एंड बी पे रख के ए एंड बी से इसका मोर देन हाफ ही खोल लीजिए और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कीजिए और बी पे रख के एक आर्क ए से एक आर्क बी से, प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ एक क्रॉस सा बना देना आपने। ये बन गया, ये जो है इसका पॉइंट हो गया ये। लेट इट बी, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको नेम दे दीजिए एम। अब आप जेड और एम को ज्वाइन करेंगे, हियर इट इज। सो दिस जेड एम इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू लाइन पी। पी लाइन पे ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड मार्क टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द आइदर साइड ऑफ द लाइन ए बी। कंस्ट्रक्ट टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम पी एंड क्यू यूजिंग रूलर एंड कंपस। चलिए इसको हम मार्क करते हैं एक लाइन। दिस इज द लाइन ए बी एंड मार्क टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन ए बी। दिस इज द लाइन ए बी।
अब आप इसमें से कोई भी दो पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, एक इधर पी इधर क्यू ऑन आइदर साइड, यानी कि एक अप एक अबव। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पी पे रख के एक सेमी सर्कल, यहाँ आपको थोड़ा छोटा ही लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड पे आपने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब ये जो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, लेट इट बी एक्स एंड वाई। अब एक्स से इस एक्स एंड वाई का मोर देन हाफ खोल लीजिए, इस तरह से आप एक आर्क यहाँ लगाएंगे। सेम वे वाई से भी आप सेम कंपास के साथ सेम ओपन करके उसका सेकेंड आर्क लगा देंगे। ये एक हमने एक्स से लगाया है, एक वाई से, विदाउट डिस्टर्बिंग द कंपास। ये जो पॉइंट है इसको आप, इस पॉइंट का कोई नाम डिसाइड कर लीजिए, लेट इट बी एम। तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इसी तरह से आपने क्यू से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सेम वे आप यहाँ से भी एक छोटा सेमी सर्कल बना लेंगे। ये रहा लाइन, को आप और लेंथ बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम इससे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। इसको आप रेज कर लीजिए, लाइन की लेंथ को आप बढ़ा लीजिए। इस बी पॉइंट को भी हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, दिस इज बी, लेट इट बी एक्स डैश वाई डैश, डिफरेंस डालने के लिए। ये एक्स वाई है, लेट इट बी एक्स डैश वाई डैश। ये देखिए यहाँ से आपने एक्स डैश से एक आर्क, वाई डैश से सेकेंड आर्क, कटिंग द प्रीवियस आर्क। ये जो है लेट इट बी, कोई भी आप इसको नेम दे दो, से आर जॉइन यू एंड आर, दिस क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यू आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, वन अप साइड वन डाउन साइड। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर्स की, तो एक लाइन ले लीजिए, लाइन सेगमेंट जिसकी फिक्स्ड लेंथ हो वो लाइन सेगमेंट होती है। तो ये है रूलर, से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए दैट is of 7 centimeter. ये 0, here it is 7 centimeter तक आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए 0 लेते वक्त हमने पहला पोर्शन भी खाली वाला छोड़ दिया है, 0 से स्टार्ट किया है, सो दिस इज 7। कोई भी आप इसको नेम दे दो, लेट इट बी ए बी। परपेंडिकुलर बाई सेक्टर इसका ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जो होता है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, देखिए आप यहाँ पे कंपास ए पे फिक्स कीजिए और इस लाइन के मोर देन हाफ खोल लीजिए, मतलब हाफ यहाँ कहीं होगा, अगर मैं एस्टिमेशन लगाऊं तो ये हाफ होगा, हाफ से थोड़ा ज्यादा, ये 3/4 तक आप ओपन कर लीजिए कंपास को, ठीक है, पूरा नहीं खोला, हाफ नहीं खोला, हाफ और फुल के बीच का 3/4, मोर देन हाफ बोला जाता है इसको। इससे आप एक आंख ऊपर लगाएंगे लाइन के, एक आंख नीचे की, ये विदाउट डिस्टर्बिंग दिस पॉइंट। अब सेम कंपास, हिलाना नहीं है इसको, इसकी लेंथ को फिर से एडजस्ट नहीं करना, जो आपने पहले एडजस्ट कर लिया, आपने ए पे रख के आर्क लगा दिया एक ऊपर एक नीचे, इसी तरह से बी पे रख के प्रीवियस आर्क्स को कट करता हुआ एक और आर्क लगा देंगे और एक्स जैसा क्रॉस जैसा आप बना देंगे। लेट दिस बी एल, दिस बी एम। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, एल और एम को आप ज्वाइन करेंगे। ये देखिए क्रॉस के बीच में ये जो क्रॉस पॉइंट बन रहा है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे, हियर इट इज। सो एल एम इज द बाइसेक्टर ऑफ ये पॉइंट, लेट इट बी ओ। सो एल एम बाइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर्स। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन सेगमेंट एक पी क्यू ड्रॉ कीजिए 6.8 सेंटीमीटर्स की, एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई। जिस तरह से फोर्थ क्वेश्चन में आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, पहले आप सेम वैसा ही ड्रॉ करेंगे, विच बाइसेक्ट्स पी क्यू एट पॉइंट एम, सेम उसी तरह से करना है। तो चलिए हम करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 6.8 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ले लेंगे, हियर इट इज, दिस इज 6.8, हियर इट इज 6.8 पी क्यू, एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर एक्स वाई। ये मोर देन हाफ आपने खोल लिया, हाफ से ज्यादा, एक आंक ऊपर की तरफ एक आंक नीचे की तरफ, सेम उसी तरह से क्यू पे रख के एक आंक ऊपर कटिंग द प्रीवियस आंक। ये आप इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ नेम गिवन है एक्स वाई, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। आप x एंड y को ज्वाइन करेंगे, तो एक्स वाई ज्वाइन करके हेयर ये बन गया, दिस इज एक्स वाई द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। वो कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, m पे। ये सारा आपके क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है। अब क्या करना है, फाइंड द लेंथ पी एम। ये जो पी एम है और क्यू एम है, उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लुक, ये पी एम, पी एम कितना आ रहा है 3.4, एंड क्यू एम
दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली 3.4. तो आप लिखेंगे पी एम इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, क्यू एम इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर. तो इज पी एम इज इक्वल टू क्यू एम? यस, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम. पी एम और क्यू एम इक्वल आ रहे हैं. सो दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आपकी बुक में पूरा परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ उसका साइन यूज किया है. तो आपने याद रखना है कि दिस साइन इज यूज फॉर परपेंडिकुलर. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी 5.4 सेंटीमीटर. मार्क एनी पॉइंट एक्स Anywhere on the bisector. Same way में जिस तरह से हमने पीछे दो questions में किया उसी तरह से हम एक line लेंगे AB, that is 5.4 centimeter. 5.4 centimeters. This is AB. Scale से आपने line draw कर ली measure करके. अब इसका perpendicular bisector. तो A पे रख के ये more than half आपने खोल लिया, आधे से ज्यादा compass को open किया. और same एक आँख ऊपर एक आँख नीचे, इसी तरह से B पे रख के एक आँख ये एक ही ये हो गए. इसको आप कोई भी name दे दीजिए, let it be point L, it be M, और LM को आप ज्वाइन कर देंगे. तो LM इसका बाइसेक्टर हो गया. मार्क एनी पॉइंट X. आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी का X मार्क कर दो anywhere on the bisector. Bisector ये है, इसके ऊपर हमने X पॉइंट ले लिया. ज्वाइन X विद A एंड B. ज्वाइन कीजिए X को A के साथ और B के साथ. अब AX और BX को मेजर करो और बताओ इज AX इज इक्वल टू BX. मेजर इट. यस, दोनों की लेंथ 3.2 आ रही है. तो AX इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, BX इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. यस, AX इज इक्वल टू BX. ये दोनों इक्वल है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिफरेंट लाइंस की लेंथ दी है, उस लेंथ को ड्रॉ करके आपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं उनके. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन. लाइन की लेंथ है 8.2. तो लीजिए लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं 8.2. दिस इज 8 एंड दिस इज 8.2. कोई भी लाइन इसको नेम दे दीजिए अपनी मर्जी का, PQ हम दे देते हैं. दिस इज 8.2. अब इसका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपस एंड रूलर. सेट स्क्वायर से भी है स्टूडेंट्स, आपके बुक में लिखा हुआ, बट सेट स्क्वायर का जो है वो सिलेबस में नहीं होता. तो उससे हम सेट स्क्वायर से कभी भी ड्रॉ नहीं करते, हम हमेशा कंपस एंड रूलर से ही करते हैं. सो मोर देन हाफ, सेम ही रूल है, सेम ही प्रोसीजर है, इसको ड्रॉ करने का तरीका सेम है, वही मोर देन हाफ, फिर पी से आर्क, क्यू से आर्क, लाइन के दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको आप मिला देंगे तो ये बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है. इसको कोई भी नेम दे दीजिए, एक्स एंड वाई. नेम आप अपनी मर्जी से मेंशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, और जिस फिगर में गिवन है उसमें आपने वही लेना है. नेक्स्ट है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन 7.8. आप देखिए आपने यहाँ लाइन बना ली 7.8 की. हेयर इट इज 7. ये 8. गिवन ए नेम एक्स वाई 7.8 सेंटीमीटर. वही सेम प्रोसीजर, मोर देन हाफ ओपन कीजिए एक आँख ऊपर एक आँख नीचे की तरफ. देन सेम वे यहाँ भी आप उस आँख को कट करता हुआ दूसरा आँख. आप देखिए जैसे मैंने ये आँख ड्रॉ किया ये मैच नहीं कर रहा, तो मैं इस आँख को थोड़ा लंबा कर सकती हूँ पिछले वाले को. ये हो गया ए, लेट इट बी बी. जो नाम ले चुके हैं उसके अलावा कोई और नेम उसको देंगे आप. इसको आप ज्वाइन करेंगे ए एंड बी को, तो ये हो गया ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई, कटिंग द लाइन एक्स वाई, बाइसेक्टिंग द लाइन एक्स वाई एट एल. ठीक है जी, इसी तरह से कोई भी लेंथ की आपको गिवन है लाइन सेगमेंट, तो आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. और भी आपकी बुक में गिवन है 6.5 गिवन है, सेम वे आप 6.5 की लाइन ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ एनी लाइन ऑफ लेंथ 6.5, फिर उसका मोर देन हाफ खोलेंगे. मोर देन हाफ खोल के एक आँख ऊपर एक नीचे लगाएंगे. सेम वे में आप उसको कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. तो चलिए हम साथ साथ इसको प्रोसीड भी कर लेते हैं. एक लाइन आपने 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है. ये बना दी हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन. 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो सबसे पहले तो वही किया जाएगा, मोर देन हाफ आर्क आर्क, देन फ्रॉम बी आर्क एंड आर्क. ये बन गए. सो दिस इज, आप इसको ज्वाइन कीजिए जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है. पिछले क्वेश्चंस में आप सेम इसी तरह से कर चुके हैं. तो ये हो गया एक्स वाई, जिसने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब आपको चाहिए फोर पार्ट्स.
अब ये जो है ये अगेन एक लाइन सेगमेंट बन गई है ना, तो इसको आप बिल्कुल उसी तरह से मोर देन हाफ, ए एम एक लाइन सेगमेंट है, अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए अगेन। ये देखिए मोर देन हाफ, एक आंख दिस साइड, एक यहाँ, सेम वे एम पे रखना, बी पे नहीं, बी पे जाएंगे तो ए बी बाइसेक्ट होगा, हमें ए एम को बाइसेक्ट करना है। तो ये पिछले आर्क्स को आप थोड़ा लंबा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ये बन गया। सो ये आप ज्वाइन कर लेंगे, उसको आपने एक्स वाई रखा था, इसको एक्स डैश वाई डैश रख लीजिए डिफरेंस डालने के लिए। तो दिस इज पी ए पी पी एम, दो पार्ट्स यहाँ से हो गए, अब दो यहाँ से करेंगे तो फोर पार्ट्स में लाइन डिवाइड हो जाएगी। सेम वे यहाँ पे भी देखिए मोर देन हाफ ऑलरेडी खुला है क्योंकि ये लाइन हाफ हाफ पहले ही हो चुकी थी। तो यहाँ से आप एक आंख इधर, एक यहाँ, सेम वे बी पे रख के एक आंख ये, एक ये, इनको आप ज्वाइन कर लेंगे ये पॉइंट्स को। पॉइंट्स का नाम आप कोई भी दे दो, लेट इट बी एल एम, एम ऑलरेडी हम दे चुके हैं, एल एन एन कर लीजिए। तो ये एक पॉइंट आ गया, लेट इट बी क्यू। तो ये जो ए बी एक पार्ट हो गया, पी एम दूसरा पार्ट हो गया, एम क्यू तीसरा पार्ट हो गया, एंड क्यू बी फोर्थ पार्ट हो गया। तो लाइन इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। अब ईच पार्ट आपको मेजर भी करना है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, पी एम इज अगेन 2 सेंटीमीटर, देन अगेन 2 सेंटीमीटर एम क्यू, एंड क्यू बी इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि ये लाइन फोर पार्ट्स में, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसमें ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पी एम इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एम क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंड क्यू बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सारे पार्ट्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। तो इस तरह से हमने एक लाइन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज, अगर आप इसको समझना चाहो तो मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए ए पी फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। आपने लिखना नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो ये चार पार्ट्स में आपकी लाइन डिवाइड हो गई है। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।